ये देखो अजमेर हो गया स्लिम पीस एकदम सबसे लंबा है मोटिवेट हो रहा है साला सिर्फ नमस्कार दोस्तों, हम राजस्थान के अजमेर से 45 किलोमीटर की दूरी पे गुलेर नामक एक गांव में रुके थे। यहाँ पे खेत में हमको एक झोपड़ी नुमा घर दिखा। किसी से पूछा ये क्या है तो उन्होंने बोला कि ये गोट फार्म है। पहले हमको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा गोट फार्म हो सकता है क्या, पर जैसे ही फार्म के अंदर जाके देखा तो हम दंग रह गए, क्योंकि फार्म के अंदर जो कलेक्शन था वो इतना ज़बरदस्त था कि हमारा आज का दिन बन गया इतने शानदार जानवर देख के। एक से बढ़ के एक जानवर इस फार्म के अंदर थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी झोपड़ी वाले घर के अंदर इतने शानदार कलेक्शन होगा। तो वीडियो आप लास्ट तक देखें, आपको काफ़ी अच्छा वीडियो लगने वाला है। अगर अच्छा वीडियो लगे तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कनाश फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं हूँ एसएन गोट फार्म पे और इस गोट फार्म के अंदर हमारे साथ है भैया। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राकेश चावला है। क्या दिखा रहे हो भाई? सर अभी आपको मालूम है कुर्बानी का समय चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कुर्बानी का लोट दिखा रहे हैं आप। बिल्कुल, तो एक नंबर चीज दिखाओ भैया, कितने जानवर अपने पास? इतनी अच्छी चीज दिखाऊंगा क्योंकि आपका दिल खुश हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। ठीक है, ये देखो सर, चार दांत का बच्चा है, 100 kg तक वेट है, फुल हाइट है। क्या बात है भाई, क्या बात, साइन देखिए यार, एक से एक बाल है सर। आप बोलोगे ये कम ये ज्यादा, ये कम ये ज्यादा। हाँ हाँ, बस बस वैसे ही लग रहा है। ये सर देखो, लेके आना भाई, और भी लेके आना। ये देखिए क्वालिटी देखे दोस्तों, क्वालिटी को भैया एकदम सिलेंट पीस है। आप बोलोगे सर, ये देखो भाई, सभी सिरोही में, पूरा सर सिरोही में अपना। कितना नग है जानवर ये? ये टोटल सर 119 नंग है। 119 नग? यस सर। ये देखो भाई, एड़दार वजनदार बकरा। अभी देखो वो, देखो सर, फोकस करो उस पे। हम ये देख रहे हैं कि किस किस जानवर को देखे, क्योंकि सभी का वजन एक नंबर है। क्या वजन में होगा भाई ये? ये सर 100+ का वेट है पूरा। लेंथ देखो भाई, ये देखो हाइट देखो, लेंथ देखो इसकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राकेश भाई, हाँ सर, घर के जानवर है ये या फिर कहीं से परचेज किए हुए हैं? सर अभी कैसे, इसमें अपने 50 तो घर के है। अच्छा, और बाकी के परचेज किए हुए हैं। कितने महीने से अपने फार्म पे है ये? ये अपने सर दो साल से अपने फार्म पे 50 बकरे जो घर के है तैयार किए है, वो बाकी के सर अभी फार्म पे किए, अभी कुर्बानी के टाइम दो महीने हुए। दो महीने? हाँ सर। ये देखिए, ये देखो भाई, एक एक चीज देखो सर, फुल हाइट फुल वजन। क्या वजन में होगा और क्या हाइट होगी भाई इसकी? सर इसकी 44 लमसम का हाइट है और इनका भी 100+ वेट है। क्या शानदार क्वालिटी भाई, क्या शानदार क्वालिटी है। ये देखिए दोस्तों, अब ये देखिए सर, कौन सा दिखाऊं आपको? यही हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। कौन सा दिखाऊं आपको, एक से बढ़कर एक चॉकलेटी कलर। क्या लग रहा है भाई ये, तो क्या लग रहा है यार। ये देखिए दोस्तों, आप कमेंट करें आप सर। ये देखो इस पे मक्खी भी बैठेगी ना सर, वो भी नीचे चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ये चीज देखिए, क्या कलरदार बकरा, एकदम फुल भरा हुआ। सिरोही में ये भी? हाँ सर, ये भी सिरोही में भी एकदम फिट है। दोस्तों मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि जानवर वैसे हैं। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए
भाई सभी खस्सी है? हाँ सर सभी खस्सी है, एक आधा अंडूल है, बाकी सब खस्सी है। सब खस्सी है, खस्सी का ही काम है? हाँ पूरा खस्सी का ही काम है सर। ये देखे क्वालिटी देखे दोस्तों मेरे, क्या क्वालिटी है। 90, 100 इसमें ज्यादातर अपने जो बकरे हैं वो 100 प्लस में है। कितने बकरे 100 प्लस? जो वेट है वो 100 प्लस के है, वो कम से कम 60 नंग ऐसे है जो 100 प्लस के है। बाकी अंडर 100 के हैं? हाँ बाकी अंडर 100 के। एक ये देखो क्या चीज है भाई, ये वाली चीज है, क्या कलर है, क्या शानदार है। स्लिमिंग पीस है, अजमेरा बकरा एक नंबर है। अजमेरा ये? हाँ सर। अभी क्या धूप भी है इस वजह से सब जानवर इधर उधर बिखर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, देखिए आपने ऐसे जानवर क्वालिटी देखे। ये देखिए जानवर, ये देखो सर साइन मार रहा है, क्या साइन मार रहा है। ये देखो ज्यादातर 80 प्लस के हैं सर। राकेश भाई हाँ सर, प्राइस की बात करते हैं, क्या प्राइस होगी भाई? सर हम पहले तो ये क्लियर करना चाहता हूँ जी कि हम पूरा पट्टी से काम करते हैं। पट्टी से जो कुर्बानी के गोट्स है, आप तो देखते भी हो कि कोई बकरा भाई 5 लाख का बिक गया, सुना भी होगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल भाई। अगर आप तोल के हिसाब से लेने जाओगे तो उसका साइन मोल नहीं होगा, क्योंकि उसका खूबसूरत खूबसूरती और उसकी हाइटदार देख के लोग उसका पैसा लगा। बिल्कुल भाई, ये चीज है सर। तो पट्टी के हिसाब से क्या प्राइस है भाई इसकी? इसकी सर पट्टी के हिसाब से सर अपन ने रखे 38,000 के हिसाब से, 38,000 रुपए। ठीक है भाई, और अगर कोई किलो के हिसाब से लेता है तो? सर किलो के हिसाब से अपने, अगर वो अपन को आ रहा है, अपन को समझ में आ रहा है तो किलो के हिसाब से भी कर लेते हैं, लेकिन हमने ज़्यादातर पट्टी के हिसाब से काम करते हैं। तो जैसे आपने बताया है कि आपके पास 120 जानवर है? हाँ जी। 60 घर के हैं? हाँ जी। तो जो घर के जानवर है वो भी आप कहीं से परचेज किए कि यहीं पे उनकी ब्रीडिंग हुई है? नहीं, वो जो हमने परचेज किए है तो हमने कोई जंगल में कहीं खूबसूरत बकरा दिख जाता है, कोई 3 महीने का कोई 4 महीने का, तो ऐसा समझ में हम साथ में लेके आ जाते हैं, फिर अपने फार्म पे पालते हैं। अच्छा, तो क्या वेट होगा उस टाइम इनका? उनका वेट सर ज़्यादा नहीं, कम से कम 20 से 25 किलो। अच्छा, तो 2 साल में आप उनका जो वेट है हाँ वो लगभग 100 प्लस करवा देते हैं? जी जी जी। जैसे 2 महीने अपने फार्म पे ये जानवर परचेस करे हुए रखे हुए हैं, हाँ क्या खिलाते हो भाई इनको ज्यादातर? सर आपको एक दिखा देता हूँ, आप लोग बोलते हैं हरी पत्ती क्या चीज है। ये हरी पत्ती है, ये हरी पत्ती का पेड़ है, ये देखिए इससे फोकस कीजिए। इनको भूख लगी कटिंग करके, अपने देखो इतने सारे है लोग, तो इनका पूरा कट करके इनको खिला देते हैं। इतने जानवरों के पीछे कितने वर्कर है आपके? यहाँ पे कम से कम 4 वर्कर रखे हैं। 4 वर्कर रखे हैं? अच्छे, सारे जानवर यहीं से सेल हो जाएंगे या फिर आप कहीं मंडी ले जाते हो इनको? नहीं सर, ये पूरे जानवर है तो यहीं से सेल हो जाते हैं। अपने एक बड़े भैया भी है मेल का, वो भी देखते हैं, वो अभी पार्टी आ गई, उनको रिसीव करने के लिए गए। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका सत्तू चावला नाम है। अच्छा, एसएन गोट फार्म? गोट फार्म है उनके के नाम से। अच्छा जी, मैं उनका छोटा भाई हूँ, तो मैं भी उनका साथ में। ठीक है भाई।